इन तस्वीरों के पीछे छिपे हुए दर्द को शब्दों के जरिए बता पाना बहुत मुश्किल है। तमाम दावों, तमाम घोषणाओं और तमाम तैयारियों के बाद भी मजदूरों का पैदल जत्था थम नहीं रहा है। और यह हादसे के बाद यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई तो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजदूरों का जमावड़ा लग गया। यूपी के सहारनपुर में रोके जाने पर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने बहुत ही मुश्किल से उन लोगों को समझाया, जबकि जबलपुर में सैकड़ों किलोमीटर से आते लाचार मजदूर दिखे जो तेलंगाना से बीवी बच्चों और सामान के साथ यूपी जा रहे थे। राजकोट में ट्रेन कैंसिल होने की अफवाह फैली तो मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। यह अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, लेकिन सभी का दर्द एक जैसा। सब अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन बेबसी, लाचारी, मजबूरी बार बार हर जगह हर पल उनके आड़े आ रही है। राजकोट, दिल्ली, सहारनपुर, जबलपुर, मुंबई और चेन्नई की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राजकोट में घर वापसी के लिए परेशान यूपी बिहार के तकरीबन 500 मजदूर सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा कर दिया। इन्हें आज विशेष ट्रेन से भेजने का वादा किया गया था, पूरा नहीं हुआ तो मजदूर भड़क उठे। गुस्से में मजदूरों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। बिना तंत्र की मदद के जा सकता है कोई? तो फिर तंत्र का सहयोग करने के अलावा विकल्प है कोई? समझाइश का वक्त अब खत्म हो गया, क्योंकि सब्र का बांध टूट चुका है। कोरे वादों और कागजी बयानों की हकीकत समझ चुके मजदूर अब घर वापसी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। राजकोट में यही हो रहा है। यूपी और बिहार के करीब 500 मजदूर लॉकडाउन में फंसकर कई दिनों से घर वापसी के लिए सरकारी फाइलों के बीच पिस रहे थे। बात जब फाइलों से आगे नहीं बढ़ी तो इनका गुस्सा फूट पड़ा। सड़क पर उतरे मजदूरों ने हंगामा मचा दिया। हाईवे पर जो भी मिला वो इनके गुस्से का शिकार बन गया। मजदूरों ने गाड़ियों पर तो पथराव किया ही, सामने पहुंची पुलिस और कवरेज के लिए पहुंची मीडिया भी निशाने पर आ गई। दरअसल ये मजदूर राजकोट से करीब 20 किलोमीटर दूर शापर वेरावल इंडस्ट्रियल जोन में काम करते हैं। लॉकडाउन में कामकाज बंद होने से मजदूरों के सामने रोजी रोटी की मुश्किल खड़ी हो गई। लंबे इंतजार के बाद घर वापसी के लिए राजकोट से ट्रेन का इंतजाम किया गया। आज इन मजदूरों को सफर पर निकलना था, लेकिन राज्य सरकारों की आपसी तालमेल की कमी के चलते ट्रेन रवाना नहीं हो पाई। इसी पर मजदूर भड़क गए। बात बिगड़ती देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गनीमत ये रही कि पुलिसिया तेवर दिखाने की बजाय अफसरों ने नरमी से काम लिया और मजदूरों को समझाने की कोशिश की। लेकिन आप अगर किसी ने हरकत की शापर विस्तार में, तो ये बात मेरा वर्ड ले लेना कि मैं फिर उसको किसी भी हालत में अपने वतन ना जाए और जेल में जाए, इस तरह की श्योरिटी करूंगा। मामले का फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। मजदूर हर हाल में घर वापसी की मांग पर अड़े, लेकिन बात दो सरकारों के बीच की है, इसलिए पुलिस अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं ले पा रही। गुजरात, यूपी और बिहार के बड़े अफसरों के बीच ट्रेन की राह के रोड़े हटाने की बातचीत जारी है। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कई हफ्तों से सड़कों पर पैदल चलकर घर पहुंचने की कोशिश में जुटे मजदूरों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। जगह जगह फंसे मजदूर उग्र होने लगे हैं, लेकिन इनकी बेबसी समझकर मामले में नरमी से पेश आने के बजाय पुलिस इन पर लाठियां चला रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण का आखिरी दिन भी वैसे ही शुरू हुआ जैसे करीब करीब हर दिन हुआ। सड़कों पर मजदूरों की भीड़, हंगामा, घर वापसी की मांग और अफरा तफरी। हम लोग कैदी के माफी गए, सोशल डिस्टेंसिंग, भुखमरी पैदा किया, लॉकडाउन करके इतने गरीब को मार दिया। सहारनपुर में सुबह से यही आलम था। बिहार के सैकड़ों कामगारों ने शहर को सिर पर उठा लिया। हम लोग
हाईवे पर जमा हुए इन लोगों के गुस्से के आगे पुलिस के तेवर भी काफू हो गए। हाथों में लाठी डंडे लेकर मजदूरों ने हाईवे पर हंगामा मचा दिया। इस दौरान हाईवे से जो गाड़ियां गुजरी वो भी मजदूरों के गुस्से का शिकार बन गई। बेघर और बेरोजगार हो चुके ये मजदूर वैसे तो हर बात से खफा हैं, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा नाराजगी बिहार की नीतीश सरकार को लेकर है। इन्हें लग रहा है कि नीतीश सरकार इन्हें घर बुलाने के लिए वैसा कुछ नहीं कर रही जैसे बाकी राज्यों की सरकारें कर रही हैं। ये सभी मजदूर खुद से बिहार लौटने के लिए निकले थे, लेकिन सहारनपुर प्रशासन ने इन्हें रोककर शहर से अलग बने एक शेल्टर होम में ठहरा दिया था। उम्मीद ये थी कि यहाँ से इनकी घर वापसी के लिए ट्रेन या बस का इंतजाम होगा, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मजदूर सड़कों पर उतर आए। हंगामा देखकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मजदूरों को समझाने बुझाने की भी कोशिश हुई, लेकिन मजदूर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मध्य प्रदेश के रीवा में यूपी बॉर्डर पर भी भारी हंगामा मचा। हालात ये हो गए कि जिन मजदूरों की पहले ही दुर्दशा हो चुकी है उन्हें पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी और बिहार जा रहे मजदूरों को यूपी एमपी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इन्हें खाना पीना देने और सफर का इंतजाम करने का वादा किया गया था, लेकिन एक दो दिन में दोनों वादों की हवा निकल गई, तो मजदूर सड़कों पर उतर आए। ट्रकों और वाहनों को रोककर सड़क पर जाम लगा दिया। इस पर पुलिस ने भी अपना असली चेहरा दिखाने में देर नहीं लगाई और ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। हरियाणा के यमुनानगर में भी पहले ही किस्मत और व्यवस्था के मारे मजदूरों पर पुलिस की लाठियां बरस पड़ी। पंजाब और चंडीगढ़ पहुंचे मजदूरों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया तो हंगामा शुरू हो गया। जवाब में पुलिस ने लाठी घुमाई तो मजदूर जान बचाने को भागते नजर आए। सड़क और खेत सब एक हो गई। हर जगह मजदूरों का सामान बिखर गया, किसी की चप्पल टूटी तो किसी की हड्डी। सिर्फ सफर में ही नहीं, मंजिल तक पहुंचने के बाद भी मुश्किलें मजदूरों का पीछा नहीं छोड़ रही। बिहार के मुजफ्फरपुर में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए मजदूरों को शिकायत है कि उन्हें भरपेट भी नहीं मिल रहा और सेंटर में साफ सफाई सुरक्षा जैसी बुनियादी इंतजाम भी नहीं है। नतीजतन यहां भी मजदूरों को आवाज उठानी पड़ी। जनता को प्रशासन सेवा करते हैं, जनता को मार के देखो क्या हाल कर दिया है। आजकल बताइए हम कैसे हम लोग रहते कैसे जिएगा। बहुत खाने 14-15 किलोमीटर का चल करके पैदल चल रहे थे। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा और यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा पर कड़ी निगरानी है। ट्रकों पर बैठकर मजदूरों को जाने की इजाजत नहीं है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने बॉर्डर के हालात का जायजा लिया। देर से ही सही, लेकिन मजदूरों की बदहाली देखते हुए सरकार जागी है और अब राजस्थान में मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि कहीं पर मजदूर अगर चलता हुआ पाया गया तो जिम्मेदारी तय की जाएगी। और शायद इसीलिए जितने भी जिलों की सीमाएं हैं वहां पर आज बंदोबस्त कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हम जहां खड़े हैं ये भरतपुर और दौसा के बीच की सीमा है। एक तो परिवहन निगम की ओर से एक बस खड़ी की गई है इसलिए कि अगर कोई मजदूर आसपास है वहां से निकल रहा है तो उसे आगे तक छोड़ा जाए। दूसरा, पुलिस का बंदोबस्त भी लगाया गया है, पहरा घना कर दिया गया है। आसपास ऐसे जो ट्रक आते हैं, ट्रॉलर्स आते हैं, उनकी भी तलाशी हो रही है टेम्पो में कि कहीं उनमें बैठकर गलत तरीके से तो नहीं जा रहे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाना है। लेकिन उसके बीच में दूसरी तस्वीर दिखाई पड़ती है मदद की, वो ये है कि कैसे राजस्थान में तमाम नेशनल हाईवे के आसपास जिसकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उन्हीं क्षमता के साथ वो मदद करने के लिए आगे आ चुका है। तो यहाँ पर जो गांव वाले हैं पानी की बोतल लेकर के आ गए हैं। दूसरा, कई जगहों पर ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं और उनके जो वॉलंटियर्स हैं अब खाने में यहाँ फल रखा है, सब्जियां हैं, पूरा खाना है, बिस्किट पैकेट हैं, ये तमाम सारी चीजें लेकर के वो हाईवे पर खड़े हैं। और जहां से आसपास के जिलों से या दूसरे शहरों से जैसे ही बसें आती हैं मजदूरों को लेकर के,
वो अपनी क्षमता के हिसाब से मदद करते हैं। ये भी एक तस्वीर देखने वाली है कि जब सरकार फेल हो गई तो जो इंसान है, आम इंसान है, वही मदद के लिए आ गया। आखिर हम ये भरतपुर नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कीड़ा की, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कोरोना मुर्दाबाद, पहले हम कहेंगे कोरोना मुर्दाबाद, हम कोरोना को हरा के छोड़ेंगे। उधर प्रवासी मजदूरों के पलायन और बेबसी पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। कल राहुल गांधी ने तंज किया कि सरकार साहूकार की तरह व्यवहार ना करे, तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का जवाब आया, कांग्रेस अपनी सरकारों से ज्यादा ट्रेन की मांग करने के लिए आखिर क्यों नहीं कहती। किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं, उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। भारत माता को अपने बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज उनको पैसे की जरूरत है। जो माइग्रेंट सड़क पे चल रहा है उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेब में पैसे की जरूरत है। जो किसान तड़फ रहा है उसको कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत है, और पैसे की कोई कमी नहीं है। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी, और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ ना, कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं, ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। उधर पैरामिलिट्री फोर्स में कोरोना के मामले तेजी से फैलते जा रहे हैं। अब तक कई जवान कोरोना को मात देकर वहीं घर भी लौट रहे हैं। अकेले सीआरपीएफ के मयूर विहार में स्थित 31 बटालियन में 137 जवान कोरोना की चपेट में आ गए थे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनमें से 101 स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर ने इनसे बातचीत की। पैरामिलिट्री फोर्स के कोरोना वॉरियर्स जो कि कोरोना की वजह से संक्रमित हो गए थे, अब उतनी ही तेजी से ठीक होकर के अपने अपने बैरक में वापस लौट रहे हैं। मयूर विहार फेज 3 में स्थित 31 बटालियन जो कि सीआरपीएफ की है, यहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे। इनकी जब टेस्टिंग हुई तो ये सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि किसी भी इनके अंदर संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब इन लोगों के कोरोना निगेटिव टेस्ट आए हैं और सभी लोग अपने काम पर वापस आ चुके हैं। इनको एक सप्ताह के लिए अभी क्वारंटीन रखा जाएगा, यानी कि ये लोग अलग अलग जगहों पर रखेंगे, उसके बाद ही ये लोग अपने काम पर यानी ड्यूटी पर लौटेंगे। लेकिन ये राहत की खबर है, 101 जवान जो इस बटालियन से कोरोना संक्रमित हुए थे वो सारे अब अपने घरों के लिए यानी कि सीआरपीएफ की इस बटालियन में वापस लौट चुके हैं। हमारे साथ सीओ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, कितने लोग थे और किस तरीके से यह संक्रमण फैला था? जानकारी ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि सिम्टम नहीं थे, उसके बावजूद भी संक्रमित हो गए। काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको सिम्टम्स नहीं थे। इमीडिएटली हमने, जैसे ही पहला केस हमारे यहाँ पॉजिटिव निकल के आया, हमने सभी लोगों का टेस्ट करवाना इंश्योर किया, और जब टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो काफ़ी लोग 100 से ऊपर की संख्या में लोग हमारे पॉजिटिव पाए गए। इमीडिएटली हमने उन सभी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे हायर अथॉरिटीज़ के डायरेक्शन के अनुसार जो क्वारंटीन केयर सेंटर है वहाँ पर उनको रेफ़र किया गया, वहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ इन सभी का। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज 101 कुल कार्मिक हमारे वापस लौट चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।